ये देखने के लिए ना भाई आपको 7 बजे के बाद में ही आना पड़ेगा। ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ना ये। Hey guys, good morning, welcome back to my YouTube channel. तो guys कैसे हो आप लोग? I hope कि आप सब ठीक होंगे। तो guys आज हम लोग सब जा रहे हैं नमो ग्रैंड सेंट्रल पार्क जो कि ठाणा में है। जो सेंट्रल पार्क है उसको कम से कम ओपन हो गया दो महीना हो चुका है guys। तो अभी हम लोग जा रहे हैं। तो मेरे साथ में देखो कौन कौन है, आयशा है, इल्मा है, इन्नो है। मरियम को तो आपको पहले भी व्लॉग में दिखा चुका हूँ। तो ठाणा हम लोगों को कम से कम यहाँ से 12 से 15 किलोमीटर हम लोगों को पहुँचने के लिए वहाँ पे कम से कम 1.5 घंटा लग सकता है क्योंकि ट्रैफिक भी मिल सकती है भाई। तो चलो फिर आपको भी लेकर चलता हूँ भाई। ये देखो ट्रैफिक मिल गए, मैं आपको बोला था ना कि ट्रैफिक मिल सकती है। देखो ट्रैफिक मिल गई क्योंकि मुंबई नाशिक हाईवे का ना देखो काम चालू है पूरा RCC का, इसीलिए इतनी ट्रैफिक हो रही है यहाँ पे। और भाई ये रोड अगर पूरा क्लियर हो गया ना तो फिर हम लोगों को ट्रैफिक नहीं मिलेगी आगे कहीं भी हम लोगों को जाना रहेगा ना, तो फिर ये रोड पे कभी भी हम लोगों को ट्रैफिक नहीं मिलेगी जब ये पूरा रेडी हो जाएगा। तो कार पार्किंग भाई 40 रुपए है। गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए ग्रैंड सेंट्रल पार्क और गाड़ी हम लोगों ने यहाँ पार्क कर दी है। तो चलो अभी अंदर चलते हैं, देखते हैं टिकट काउंटर कहाँ है। हम जहाँ पहुँचते हैं वहीं उठता है, नहीं तो पूरा गाड़ी में है ना ये सोते हुए आता है भाई इब्राहिम। तुम लोग सब लाइन से खड़े रहो, इधर लाइन से खड़े रहो, लाइन से। देखो कितने बच्चे हैं हम लोगों के साथ में, देखो 1 2 3 4 5 6 7 बच्चे आए और मरियम 1 8। गाइस ये पूरी कार पार्किंग है इधर पे, यहाँ पे कम से कम 1000-2000 गाड़ी पार्क हो सकती है। और ये सामने ये बाइक पार्किंग है इधर ये साइड, और ये पूरा क्राउड टिकट लेने के लिए यहाँ पे। तो हम लोगों का कम से कम 1-2 घंटे के बाद में नंबर आने वाला है शायद ना, क्राउड है और ये पूरी लाइन है ना टिकट लेने के लिए ही है। यहाँ पे क्राउड देख के है ना नया काउंटर स्टार्ट हो गया इधर पे, वो तो काउंटर अलग है और यहाँ पे एक नया काउंटर चालू कर दिए। तो गाइस हम लोगों ने टिकट ले ली है, तो ये 30 रुपए की एक टिकट है, सिर्फ जो 15 साल के ऊपर है उन लोगों का ही टिकट लगेगा। जैसे ये सब बच्चे लोगों का फ्री है, सिर्फ मरियम का और मेरा और अरहम की अम्मी का टिकट लगेगा भाई, और बच्चे लोगों का पूरा फ्री है। गाइस फाइनली हम लोगों की एंट्री हो चुकी है पार्क के अंदर, तो अभी हम लोग चलते हैं बच्चे लोगों के लिए देखते हैं। यहाँ पे बहुत सारे झूले हैं तो बच्चे लोगों को यहाँ पे इंजॉय करवाएंगे और हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या क्या एक्टिविटीज़ है। अब बच्चे लोगों को तो भाई बहुत मजा आने वाली है, समझ जाओ ये पार्क ही बच्चे लोगों के लिए। ये देखो बच्चे लोग कितने ऊपर ऊपर चढ़ रहे बच्चे लोग भाई, इतना क्राउड, इतना ज्यादा क्राउड है ना कि हम लोगों को देखने ही नहीं मिल रहा है। हम लोगों के बच्चे लोग भी कहाँ चले गए हम लोगों को पता नहीं चल रहा है। ये देखो हमारे बच्चे लोग यहाँ पे खेल खेलने दो। इन्नो और तानिश और अरहम देखो कहाँ पे चढ़े, और आयशा आयशा चढ़ी नहीं पा रही ऊपर। तो आयशा को डर लग रहा है, आयशा नहीं चढ़ पा रही ऊपर, और इन्नो देखो एकदम टॉप पे वो चढ़ गई है भाई। आराम से चढ़ना है तो गिर जाएंगे। आयशा चढ़ो ऊपर, गिर मत जाना। आयशा और अरहम चढ़ ही नहीं पा रहे हैं ऊपर, दोनों की हालत खराब हो गई। और इन्नो देखो कहाँ चढ़ी है, और इल्मा तो नीचे ही है, अभी तक चढ़ ही नहीं पा रही इल्मा। इल्मा और आहिल नीचे ही है अभी। गाइस जो हम लोग जो आ रहे हैं वो प्ले जोन से आ रहे हैं, तो अभी हम लोगों को आगे जाना है, स्पोर्ट्स अरेना में जाएंगे या तो थीम गार्डन में जाएंगे। बाकी जो लेग जोन है यहाँ से, जो लेग जोन आगे जाता है, यहाँ से आगे आता है लेग जोन, तो हम लोगों को लेफ्ट साइड में, हम लोगों को राइट साइड में जाना है, तो थीम गार्डन आएगा और स्पोर्ट्स अरेना आएगा। हम लोग यहाँ पे इब्राहिम की फोटो लेने वाले हैं, ये पूरा ग्रैंड सेंट्रल पार्क का। तो इब्राहिम देखो कितना खुश हो रहा है। इब्राहिम अच्छा 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 जल्दी। बस ये बच्चा और वो आदमी ये दोनों मिलके चेस गेम खेल रहे हैं। देखो इतने बड़े बड़े मोहरे हैं भाई इधर। देखो अभी वो चाल चलेगा आदमी, ये रखो उसको रखो, वो लोग खेल रहे हैं, गेम चालू है, हटो साइड में। देखो बंदा भी चाल चला है ना,
इतने बड़े बड़े मोरे है भाई, कभी चेस देखो इतना बड़ा। अभी ये लड़के की चाल है, खेलेगा आराम, खेलेगा चेस, आता है खेलने, चलो आता है खेलने। कैसे खेलते भाई, इतना से बच्चा है देखो चेस गेम खेल हुआ है और वो भी इतने बड़े आदमी के साथ। अरहम के ऐसा ही चश्मा पहना है वो भी। पार्क की लाइट्स देखो ऑन हो गई है तो पार्क है ना और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है शाम के टाइम में। चाइनीज गार्डन उड़गन सब है इसके अंदर, तो इन आएगा तो बहुत मजा आ रही है। यहाँ पे मजा आ रही है कि नहीं, ये पूरा पार्क है ना भाई बच्चे लोग के लिए। ये ट्री हाउस है और ये ट्री हाउस का पूरा स्लाइडिंग है, यहाँ से चढ़ो कोई सी भी स्लाइड से नीचे आ सकते हैं। एक ये स्लाइड है और एक वो स्लाइड है राउंड वाली, और एक ये स्लाइड है भाई रेड वाली। इधर पे एक जगह से चढ़ो और कहीं से भी भाई नीचे आओ। नहीं तुम लोग एक्टिविटी सही किए ही नहीं है, चीटिंग किए तुम लोग। वहाँ से चढ़ रहे थे फिर वो दीवार के पीछे जा रहे थे फिर वहाँ से एंडिंग में आके यहाँ चढ़ के उतर जा रहे थे, तो ऐसे थोड़ी ना करने के लिए बोला था। पूरा एकदम पांच बार पूरा परफेक्ट करने के लिए बोला था मैं, ऐसे ग्रीन वाले पे से चढ़ के पूरे ग्रीन वाले से ही उतरने का था। तुम लोग चीटिंग के येलो वाले से स्लाइड करके नीचे उतरे। हाँ तो तुम लोग चीटिंग किए, अब मैं खिलाऊंगा तुम लोग आइसक्रीम। गाइस ये देखो ये पूरा मुगल गार्डन है, ये देखो कितना खूबसूरत बनाया गया है। ये पे ये देखो ये बीच में फव्वारा है और पूरी वॉल है, इसको बोलते हैं मुगल गार्डन। ये देखने के लिए ना भाई आपको 7 बजे के बाद में ही आना पड़ेगा। ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ना, ये एकदम मस्त एकदम यूनिक लग रहा है भाई। और भी 7 बजे के बाद में आओगे ना अंधेरे में तो ही मजा आएगा यहाँ पे आने के लिए, नहीं तो दिन में आओगे ना तो कोई मतलब नहीं रहेगा ये चीज का। ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, ये देखो हमारी पूरी टीम यहाँ पे फोटो क्लिक करवाती हुई। ये गाइस इसको बोलते हैं मोरक्कन गार्डन, कितना अच्छा लग रहा है ना, इतना खूबसूरत लग रहा है। जैसे मोरक्को ने एक देश है ना वहां पर ऐसा गार्डन बनता है, तो इसलिए यहाँ पर भी एक मोरक्कन गार्डन बनाया गया इधर पे। गाइस ये ब्रिज का नाम है एक्स ब्रिज, जो मैं आपको वहां से वीडियो से जो बता रहा था ना, तो ये ब्रिज का नाम है एक्स ब्रिज। तो चलो चलते हैं पहले इसके ऊपर, देखते हैं कैसा दिखता है पूरा गार्डन ऊपर से। तो ब्रिज की एंट्री भाई यहां से ऊपर जाना है हम लोगों को ऊपर। पार्क के आजू बाजू में गाइस देखो कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, इसके चारों तरफ है ना बिल्डिंग, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है चारों तरफ ये पार्क है। ये देखो यहाँ पर भी है और इसके जस्ट बाजू में, ये देखो ये कितनी बड़ी बिल्डिंग है। ये पार्क पूरा चारों तरफ बिल्डिंग से घिरा हुआ पार्क है, मतलब यहाँ पे जो भी रहने आएगा गाइस उन लोगों की तो मजा ही मजा। फ्लोरा ट्रेलिस में ये गाइस ये एंट्री देखो, और यहाँ की वाइब्स देखो भाई कितनी प्यारी वाइब्स है। ये देखो कितना मस्त लग रहा है ना, इतना खूबसूरत बनाया गया है, इतनी प्यारी वाइब्स आ रही है भाई। तो ये पार्क में ना भाई हर एक कंट्री का मतलब कुछ ना कुछ बनाया गया है। ये चाइनीज गार्डन है, ये देखो यहाँ पर ये पूरे मतलब ये देखो ये छोटा सा तालाब भी बनाया गया है यहाँ पे चाइनीज गार्डन में, और इसके जस्ट बाजू में है ना जैपनीज गार्डन भी है, तो वहाँ पे भी आपको लेकर चलता हूँ। देखो यहाँ पर बैठ के लोग हैं ना फोटो क्लिक करवा रहे हैं। गेट दिख रहा है, ये जैपनीज गार्डन का गेट है, तो चलो मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ। यहाँ से ये जैपनीज गार्डन, तो जैपनीज गार्डन कुछ इस टाइप का रहता है गाइस, ये देखो। और वहाँ पे अंदर कुछ लोग जाके फोटो क्लिक करवा रहे हैं जैपनीज गार्डन में। ये जो दिख रहा है जो बना हुआ घर टाइप में, इसको जैपनीज गार्डन बोलते हैं। तो कुछ लोग यहाँ पे फोटो अंदर जाके क्लिक करवा रहे हैं कुछ इस तरीके से, ये देखो। चलो फाइनली एग्जिट लेते हैं यहाँ से, चलते हैं अभी बच्चे लोगों का नाश्ता करवाते हैं, क्योंकि भाई उन लोग है ना खेल खेल के इतना थक चुके हैं,
और बहुत ही ज्यादा थक चुके हैं वो लोग, तो उन लोगों को चले पहले नाश्ता कराएंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे सीधे घर। लगभग है ना गाइस, पूरी पार्किंग जगह को खाली हो चुकी है, बस कुछ एक गिनती की कार बची हुई है। और हम लोग ये कार देखो एकदम लास्ट में वहाँ दिख रही है व्हाइट कलर की, ब्लैक कलर के बाजू में वाली कार हम लोगों की है, और बाकी पूरी पार्किंग है ना भाई खाली हो चुकी है। देखो फाइनली पहुंच गए घर। अगर आपको भी ग्रैंड सेंटर पार्क जाना है तो आप भी जा सकते हो, हमारे थाना में ही बनाया गया है और वो भी भाई 20 एकड़ जमीन में बनाया गया है पूरा पार्क। तो भाई पार्क में देखने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज है, बहुत सारे प्लेसेस है, बहुत अच्छा गार्डन है, आप भी जाओ एंजॉय करो। सिर्फ 30 रुपये टिकट है भाई, 15 साल से नीचे बच्चे ले हो तो एकदम फ्री है, तो आप भी जा सकते हो, फुल एंजॉय कर सकते हो। वहाँ पर गार्डन, बहुत सारे गार्डन बनाए गए और भाई बहुत ही मजा आया, फुल एंजॉय किया हम लोगों ने। तो चलो फिर इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलता है एक नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।